अस्सलाम वालेकुम डिवाइस पॉइंट के साथ मैं ज़्यादा बहुत ही ज्यादा भाई अरसे के बाद दो टक्कर के फोन आपस में हमें देखने को मिलते हैं कि भाई यार इन दोनों में कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले भाई अगर मैं बताना चाहूं कि टेक्नो ने कैमन 20 प्रो प्लस मार्केट में अभी लॉन्च किया, थोड़ा दिन ही हुए हैं। तो अगर इन्फिनिक्स की बात करें तो इन्फिनिक्स में भी 030 बहुत ही ज्यादा अरसे पहले महीना पहले मार्केट में लॉन्च हुआ था। तो अगर मैं इन दोनों सेट्स की बात करूं तो ये हमें 8+8 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और बकायदा आपको इनके दोनों में डिफरेंस के बारे में बताएंगे। अगर इन दोनों के डिस्प्ले की बात की जाए तो भाई यार इन दोनों कंपनीज ने हमें एक कर्व डिस्प्ले दिया, जिस तरह के भाई यार आप कर्व डिस्प्ले महंगे फोन महंगी डिवाइसों में देखने को मिलता था आपको, कि महंगी डिवाइस में कर्व डिस्प्ले होता था। जिस तरह सैमसंग ब्रांड ने हमें पहले पहले नए नए जब फोन मुतारफ करवाए तो सैमसंग ब्रांड ने ही हमें कर्व डिस्प्ले से मुतारफ करवाया कि भाई यार कर्व डिस्प्ले वाला फोन बस सैमसंग में मिलता है। आजकल की बात करें तो आजकल भाई हमें टेक्नो की कंपनीज में, इन्फिनिक्स की कंपनीज में, ओप्पो वीवो ताके बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट कंपनीज के एज फोन देखने को मिलते हैं। आज हम जिस फोन की बात कर रहे हैं वो टेक्नो का कैमन 20 प्रो प्लस है और इन्फिनिक्स का 030 है। इन दोनों के बारे में आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे। सबसे पहले चैनल पे आने वाले भाई लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चले आए वॉच करते हैं हम इन दोनों ब्रांड्स को, जरा बताते हैं कि भाई इनमें से बेस्ट कौन सा फोन रहेगा। जिस तरह के भाई मैं इन दोनों फोनों में आपको कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो भाई ये दोनों फोन ही बहुत ही ज्यादा मजे के और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एटम बन चुकी हैं इस टाइम के। जिस तरह के भाई यार अगर 030 जब आया था तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट था, तो बहुत ही ज्यादा परेशानी लोगों को मिलती थी कि ये 61,000 तक आया था डब्बा पैक, 60,000 तक, तो शॉर्ट में 65,000 तक मिलता था। अगर अभी की बात की जाए तो भाई अभी हमें 70,000 तक ये शॉर्ट मिलता है। तो भाई यार टेक्नो ने सोचा कि हम भी कोई ऐसी डिवाइस दें जो शॉर्ट में बिके। तो भाई आज हमें एक स्पार्क 20 प्रो प्लस देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट आइटम है। और इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, शेप की बात करूं, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस तो नजर आ ही रहा होगा कि भाई यार कैमन 20 ने जो स्पार्क 20 प्रो प्लस है ये 030 की निस्बत बहुत ही ज्यादा स्लिम बना दिया गया हुआ है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ही दोनों में देखने को मिलता है। फिंगर स्कैनर की बात करें तो भाई स्क्रीन में ही आपको फिंगर स्कैनर देखने को मिलता है और बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही मजे का डिस्प्ले इन दोनों का आपको नजर आ रहा होगा। मैं जिस तरह के आपको चला के अगर दिखाऊं तो आपको इन दोनों फोनों के डिस्प्ले में बहुत ही ज्यादा एक चेंजिंग नजर आ रही होगी कि भाई यार इन दोनों कंपनियों ने रेस लगाई हुई है कि भाई कौन सा मॉडल टेक्नो निकालेगी, इन्फिनिक्स भी जिस तरह का मॉडल निकालेगी हम भी उसी तरह का मॉडल निकालेंगे। अगर बैक कैमरे की मैं बात करूं तो बैक कैमरा डिजाइन टेक्नो का हमें और देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स का उससे डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर कैमरे सेंसर की बात करूं तो भाई तीन कैमरा सेंसर इन्फिनिक्स कंपनी की तरफ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर टेक्नो की बात करें तो टेक्नो में हमें चार कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं। इसके अगर कैमरा सेंसर्स की बात करें तो भाई 5 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का और 108 मेगापिक्सल का बहुत ही एक अच्छा व्लॉगिंग कैमरा हमें दोनों में देखने को मिलता है बहुत ही अच्छी लुक में। अगर इन्फिनिक्स की बात करो तो इन्फिनिक्स में भी आपको गोल्डन कलर भी देखने को मिलता है, व्हाइट कलर भी देखने को मिलता है। टेक्नो की बात करो तो टेक्नो में भी आपको भाई गोल्डन कलर भी देखने को मिलता है, तो और ये वाला जो इन्फिनिक्स का कलर है वो भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी चार्जिंग स्पीड की तो भाई ये 35 मिनट में फुल चार्जर होने वाले फोन है कि भाई यार बेफिक्र हो जाओ, अब 35 मिनट चार्जर लगाओ और ये फोन दोनों फुल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके साथ इन्फिनिक्स के साथ आपको 45 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। और इसकी निस्बत अगर मैं टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो की बात करूं तो टेक्नो में हमें 33 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। अगर बात करें तो भाई इन्फिनिक्स का चार्जर जरा पावरफुल होगा। अगर इन दोनों के मैं फ्रंट कैमरास की बात करूं तो भाई इन्फिनिक्स ने 32 मेगापिक्सल का एक व्लॉगिंग कैमरा हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर इन्फिनिक्स की बात करूं तो इन्फिनिक्स में भी हमें 50 मेगापिक्सल का व्लॉगिंग कैमरा देखने को मिलता है और इसमें हम 2x तक जूम भी कर सकते हैं इन्फिनिक्स में। और जो टेक्नो में हमें
32 मेगापिक्सल का कैमरा बस देख रहे हो मिलता है भाई यार 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा है, बेफिक्र हो जाओ जहां भी जाओ सेल्फी लो और बहुत ही ज्यादा मजे की आने वाली है। इन दोनों में आपको जो भी अच्छा लगा होगा मैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अलावा अगर मैं बात करूं इनके नेटवर्क की तो भाई दो सिमों की स्लॉट इसमें आपको देखने को मिलती है और इन्फिनिक्स में भी आपको दो सिम्स की ऑप्शन देखने को मिलती है और बहुत ही एक यूनिक से सेट बना दिए गए हैं। दोनों में आपको डुअल कैमरा डुअल स्पीकर्स की ऑप्शन देखने को मिलती है कि भाई यार टेक्नो और इन्फिनिक्स में आपको डुअल ही कैमरे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई इनमें आप बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल ही आपको देखने को मिलता है, G99 का दोनों में प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, बहुत ही एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है और ये जिस रेंज प्राइस टैग में आपको देखने को मिलते हैं इस प्राइस टैग में भाई नॉर्मल फोन बहुत ही अच्छे फोन बना दिए हैं कंपनी ने। 50-60 हजार की रेंज में जो भाई फोन परचेज करना चाह रहे हैं उनको परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। जिस तरह के भाई अगर हम कोई 50 हजार की रेंज में अगर सैमसंग या किसी ब्रांड का फोन लेते हैं तो हमें कोई इतना अच्छा फोन नहीं मिलता। तो आज भाई हम टेक्नो और इन्फिनिक्स के इन दोनों फोनों को इसीलिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई यार इन दोनों में आपको मुनासिब प्राइस टैग में एक अच्छा व्लॉगिंग कैमरा भी मिलता है और आप इससे कहीं भी शूट वगैरह भी कर सकते हो और बहुत ही एक अच्छी डिवाइस होने वाली है। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी अस्सलाम वालेकुम।